हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? सबसे पहले तो सबको हनुमान जयंती की बधाई और जय श्री राम, जय हनुमान। और बाकी अभी हम एक्सप्लोर करने के लिए कुछ निकलने वाले हैं, तो श्योर नहीं हूँ, पर हमारे शायद हो सकता है कि दो वीडियोस डले और बाकी अलग अलग ओकेजन है तो उनके बेसिस पे दोनों अलग अलग डल सकते हैं। बाकी हम देख रहे हैं और अभी हम चलते हैं। हमने ऐसे नाश्ता कर लिया था, मॉर्निंग में पोहे वोहे खा लिए थे, तो उसके बाद थोड़ा नैप भी लिया था, फिर अब हम निकलते हैं और आपसे मिलते हैं जल्दी, आप बने रहिएगा। तो अभी सिस्टर और मम्मी तो निकल गए हैं, कोई काम था उनको तो मॉर्निंग में ही निकल गए थे, अभी पता नहीं कब तक आएंगे। तो अभी हम भी निकलते हैं और आपको अपडेट देते हैं। ये हमारे रेंजू भाई, इसको देखो, ये रेंजू भाई साहब बैठे हैं दरवाजे के पास में, देख सकते हैं आप। ये इसने ना दीवाले ना पोच पोच के पूरी गंदी कर दी, काली कर दी, क्यों रे? तो अभी हम निकलते हैं और उधर देखे आपको अपडेट देते हैं, उधर पहुंच के सॉरी। तो अभी ऑलमोस्ट 1:05 बज गई, आप देख सकते हैं 1:05 हो गई है, अब हम निकलते हैं और पहुंचते हैं अपनी लोकेशन पे। तो गाइस अभी हम हमारी लोकेशन पे आ गए हैं और अब अंदर चलते हैं, तो देखते हैं कि हमको क्या होता है, मतलब आगे अंदर बात करते हैं कि अलाउड है कि नहीं अंदर बात करना, तो मिलते हैं आपसे। सो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम सेंट जोसेफ चर्च आए जो पाटनीपुरा में है इंदौर में, और अभी हम इसका पूरा मायना लेते हैं और आपको पूरा अपडेट देते हैं। आप देखिए काफ़ी अच्छा और मेंटेन करके रखा है इन्होंने, ये देख सकते हैं आप। सो गाइज अभी हम फादर से बात करते हैं और आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताते हैं चर्च से रिलेटेड चीज़ें, और कल गुड फ्राइडे है तो उसके बारे में भी फादर से कुछ डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आप सबों को नमस्कार, मैं फादर प्रीतम, आप अभी संत जोसेफ चर्च नंदानगर में हैं और इस चर्च का इतिहास करीब 50 साल पहले का है। यहाँ पर सबसे पहले जो कपड़ा मिल हुआ करती थी, वहाँ पर कपड़ा मिल में जो वर्कर्स थे वो यहाँ पर इस चर्च में आया करते थे, तो उनके लिए बेसिकली ये चर्च बनाया गया था। फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्रिश्चियंस की संख्या बढ़ती गई और आज हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। ये चर्च कैथोलिक चर्च है और कल हम यहाँ पर गुड फ्राइडे मनाएंगे। गुड फ्राइडे के दिन हम याद करते हैं प्रभु यीशु की क्रूस पर बलिदान। प्रभु यीशु ने पापी मनुष्यों के लिए, इस दुनिया के सारे पापों को, गुनाहों को मिटाने के लिए और हमें पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। हालांकि आज वहाँ पर आप क्रूस की जो प्रतिमा है वह नहीं देखते हैं, क्योंकि गुड फ्राइडे के एक सप्ताह पहले हम प्रतिमाओं को ढक देते हैं और गुड फ्राइडे के दिन उसका अनावरण किया जाएगा। ये हमारी धार्मिक रीति का एक भाग है, हम एक सप्ताह तक प्रभु को उस मूर्त रूप में दर्शन नहीं करते हैं और गुड फ्राइडे के दिन उनकी उस प्रतिमा को देखते हैं जहां पर वे क्रूस पर लटकाए गए थे। अब उनको क्रूस पर क्यों मरना पड़ा, इसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएँ और बहुत सारे अलग अलग विचारधाराएँ हैं। तो प्यारे साथियों, पवित्र बाइबल में हम देखते हैं शुरू में प्रारंभ की जो पुस्तक है, उत्पत्ति ग्रंथ से कहते हैं, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा के रूप में इंसान की सृष्टि की, नर और नारी, और उन्हें ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। जहाँ पर उनको रखा था उस जगह को बोलते हैं अदन वाटिका, और अदन वाटिका में ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग जैसा सुख दिया था। उनके लिए कोई भी दुख तकलीफ, जो हमें खून पसीना बहाना पड़ता है, समस्याएँ, वो कुछ भी नहीं थी। एक स्वर्ग जैसी जगह पर रखा था, उनको कहा था कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन कर लो। लेकिन आदम और हेवा जो प्रथम नर और नारी थे, उन्होंने ईश्वर की बात को नहीं माना, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध गए और पाप किया, इसलिए वो वहाँ से बेदखल हो गए। वे उस स्वर्ग जैसी जगह से एक ऐसे संसार में आ गए जहाँ पर उनको दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, पाप है, मृत्यु है। अब ये भाग्य उनकी सभी संतानों का हो गया, हम सब उनकी ही संतति है, चाहे हम किसी भी जाति धर्म के हो, हम उस आदि पुरुष
और स्त्री की संतानें हैं, तो ये पाप के भागीदार हैं। और पाप का जो परिणाम है, जो दुख तकलीफ है, परेशानियां हैं, दर्द हैं, ये सारी बातें जो वहीं से आई हैं, तो उसको मिटाने के लिए एक मसीहा की ज़रूरत थी। तो प्रभु यीशु इस संसार में आए, उन्होंने अपना खुद का बलिदान दिया, वे खुद सूली पर लटके और उस लहू के द्वारा, उनके खून के द्वारा उन्होंने पापों से निजात दिलाई। क्योंकि जिस धर्म में वे पैदा हुए थे, यहूदी धर्म, वहाँ पर बलि चढ़ाना एक बहुत ही उनके धार्मिक संस्कारों में से एक था। तो वे विभिन्न प्रकार के चीज़ों के लिए और आशीषों के लिए पशुओं की बलि चढ़ा देते, खास करके भेड़ की, बकरियों की बलि चढ़ा देते। तो प्रभु यीशु उस स्थान पे भेड़ बकरियों की जगह वे खुद मरे और पाप से मुक्त करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को मरना ज़रूरी था, क्योंकि बाकी सब पाप के भागीदार हैं, तो सब अशुद्ध हैं और केवल ईश्वर ही एक ऐसा एक ऐसी वास्तविकता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो निर्दोष है, बिना पाप के है। तो वो निर्दोष मेमने के रूप में वो बलिदान चढ़े और हम सबको पाप से मुक्त किया। तो ये जो आज का गुड फ्राइडे है, ये इसी की याद दिलाता है कि हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मौत को हराकर, पाप को हराकर, शैतान को हराकर क्रूस पर बलि चढ़े और हमें फिर से एक नया जीवन दिया। तो आप सबों को हम इस दिन की बहुत सारी प्रभु की आशीष और कृपाओं की कामना करते हैं। सो गाइस, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और फादर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करा, इस चर्च की हिस्ट्री बताई, प्लस गुड फ्राइडे क्यों बनाया जाता है इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से हमको बताया। और आप हमारे साथ बने रहिएगा, अब मिलते हैं आगे। गाइस, अभी हमने ना काल निर्णय लिया है, क्योंकि हमको है ना इवेंट देखने में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी हमको भी, तो मिलता हूँ आपसे। सो गाइस, अभी हम रूम पे आ गए हैं और अभी ऑलमोस्ट 4:15 बज गई है, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उठेंगे, फिर जाएंगे रिंजू को ले जाएंगे, बाकी खाना वाना भी हो गया था, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी रिंजू भाई साहब को घुमाने लाए हैं और थोड़ा लेट हो गया था, मैंने एक्चुअली 5 बजे का अलार्म लगाया था कि इसको लेके आऊँगा, पर उठा मैं थोड़ी लेट और अभी ऑलमोस्ट 6:15 बज चुके हैं, तो बस भाई को घुमाते हैं, भाई बड़ा खुश है। ये देखे आप, ये देखो, ये रिंजू भाई साहब जा रहा है, मुंह छुपा रहा है और धीरे से जबान निकाल रहा है बाहर। भाई साहब मौसम देख सकते हैं, पूरा बदल ही बदल हो गए आसमान में, मतलब ऐसा लग रहा है कि वापस से आज बारिश होगी। सो गाइस, अभी हम जिम के लिए निकल रहे हैं और अभी हमको टाइम भी लगेगा, ऑलमोस्ट 6:45 बजने को आ गई है, तो अब हम इस व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और अब आपसे कल जल्द मिलेंगे। तो आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपसे कल मिलते हैं, सो बाय बाय, टाटा, गुड बाय, तो मिलते हैं कल, बूम।